खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि नतीजे आने का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण सिर्फ एबीपी न्यूज पर एक बड़ी टीम के साथ हम हाजिर होंगे। और काउंटडाउन आप देख लीजिए कि कितने घंटे बचे हैं, 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। नंबर पलटेगा या नहीं, 19 घंटे 49 मिनट और 44 43 42 हर सेकंड समय कम हो रहा है। सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज आपके लिए लेके आएगा। हर सीट का विश्लेषण भी टीम होगी एक एक्सपर्ट्स की, हम आपके लिए करेंगे और सबसे पहली तस्वीर भी सिर्फ एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। तो चुनाव नतीजों के ऐलान में अब 22 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अब देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कल रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए नेताओं को डिनर पार्टी दी, जिसमें एनडीए के 36 नेता शामिल हुए। वहीं आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के महासचिव और चुनाव प्रभारी शामिल होंगे। वहीं आज चुनाव आयोग की भी बैठक होने वाली है। वीवीपैट पर 21 विपक्षी दलों की अर्जी पर चुनाव आयोग चर्चा करेगा। तो नतीजे आने से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल एनडीए ने बैठक बुलाई थी, डिनर पार्टी भी हुई थी तमाम सहयोगी दलों की, और आज कांग्रेस ने ये बैठक अपने नेताओं की बुलाई है। ईवीएम को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है कि विपक्षी दल के नेता ईवीएम के लिए चौकीदार बन गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, जो अभी तक बीजेपी की लाइन थी कि हम भी चौकीदार, अब वही काम कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। कई नेताओं ने कल अपने अपने लोकसभा सीटों के स्ट्रांग रूम का दौरा किया। भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह कल रात स्ट्रांग रूम का जायजा लेने पहुंचे। यूपी के फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने भी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा जांची। इसके अलावा मेरठ से महागठबंधन उम्मीदवार हाजी याकूब भी स्ट्रांग रूम का दौरा करने पहुंचे, जबकि बिहार के वैशाली में महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम तो स्ट्रांग रूम के बाहर ही डेरा डालकर बैठ गए। तो ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, अब वो भी मैं भी चौकीदार के नारे को अमल में ला रहे हैं, और जो स्ट्रांग रूम है जहां पर की ईवीएम रखी जाती हैं, उनके बाहर कुछ नेता तो डेरा लगाकर बैठ गए, और डेरा नहीं लगा रहे हैं तो दौरा करने पहुंच रहे हैं। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल, आगरा, मेरठ और वैशाली की। तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अब चौकीदारी कर रहे हैं, और बीजेपी के जो नारा है कि मैं भी चौकीदार, उसको अमल में ला रहे हैं। अब चौकीदार चोर है जो है वो कांग्रेस के लिए पीछे छूट गया है वो नारा, और मैं भी चौकीदार पर अमल करते हुए तमाम कांग्रेसी नेता, तमाम विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं। ईवीएम को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है कि विपक्षी दल के नेता, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कि अब ईवीएम की सुरक्षा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चुनाव आयोग ने आगाह किया कि कोई अफवाहों पर ध्यान ना दें।